एंड वेलकम टू माय चैनल सिमरन कनेक्ट्स। चलिए थर्ड लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ट्यून अ गिटार, और मैं आप लोगों को दो तरीके सिखाने वाली हूँ फॉर ट्यूनिंग योर गिटार। वन, यूजिंग फोन का एक ऐप, यानी कि एक ट्यूनर जो आप फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एंड नंबर टू, यूजिंग अ ट्यूनर। सो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है आप उसी को यूज करके अपने गिटार को ट्यून कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईच टाइम यू स्टार्ट प्लेइंग द गिटार, सबसे पहले गिटार को ट्यून करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग गिटार कम बजाते हो फिर भी स्ट्रिंग्स डिट्यून्ड हो जाएंगे, अगर गिटार वैसे ही पड़ा हुआ है इवन देन स्ट्रिंग्स डिट्यून्ड हो जाते हैं। अगर आप लोग रेगुलरली प्ले करते हो फिर भी स्ट्रिंग्स डिट्यून्ड हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है, एंड नए गिटार में ट्यूनिंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रिंग्स बहुत जल्दी डिट्यून्ड हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस करते करते द मोर यू प्ले फिर नॉर्मल ट्यूनिंग से हो जाता है। सो ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप लोग जब बाद में कॉर्ड सीखोगे इट विल बी आउट ऑफ ट्यून विच इज नॉट राइट। सो ऑलवेज एनश्योर वेन एवर यू आर प्लेइंग द गिटार कि सारे के सारे छह स्ट्रिंग्स ट्यून्ड हो। अब मैं आप लोगों को दो तरीके सिखाने वाली हूँ फॉर ट्यूनिंग योर गिटार। बहुत लोगों के पास शायद गिटार ट्यूनर नहीं है, ये एक ट्यूनर है मेरा, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो आप लोग भी ट्यून कर सकते हो विदाउट अ ट्यूनर। अपने फोन में प्ले स्टोर में जाओ, जाके गिटार ट्यूनर एक ऐप है जिसका मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी, उसको डाउनलोड करो। सो इधर यू कैन ट्यून यूजिंग अ गिटार ट्यूनर और द ट्यूनर ऑन योर फोन। सो पहले चलो सीखते हैं कि गिटार ट्यूनर से कैसे ट्यूनिंग करते हैं। सो ये है एक गिटार ट्यूनर, कई तरह के ट्यूनर्स होते हैं। दिस इज अ हवाना ट्यूनर एंड 200 के आसपास प्राइस होता है, आपको अमेजोन में या कोई भी लोकल शॉप में मिल जाएगा। यू कैन गेट अ ट्यूनर ऑफ एनी ब्रांड। सो बेसिकली इसका एक ऐसा क्लिप जैसा सिस्टम है जो कि ये हेड में हम लोग ऐसे लगा लेंगे, ठीक है, एंड डोंट वरी स्क्रैच नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर रबर दिया हुआ है। बिफोर आई शो यू हाउ टू ट्यून यूजिंग दिस ट्यूनर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से स्ट्रिंग का कौन सा ट्यूनिंग की है। बहुत ईजी है, चलो पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्ट्रिंग यानी कि नीचे के तीन स्ट्रिंग्स का ट्यूनिंग कीज देखते हैं। ई स्ट्रिंग को ऐसे अगर आप लोग ऊपर तक देखोगे तो यू विल सी कि इट इज कनेक्टेड हियर। सो ये फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि ई स्ट्रिंग का ट्यूनिंग की है। सिमिलरली बी gets connected here, this is the B का tuning key, and G इसके ऊपर वाला, फिर D is this one, this is A and again this is E, but this is the sixth E string। So बस ऊपर जाओ, जाके check करो कहाँ पे कौन सा connected है। Those are the tuning keys and they are all in order। इस side में है E B G, इस side में है D A E, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर का है यहाँ का स्विच, इसको ऑन करने से ट्यूनर ऑन हो जाता है। तो फॉर ट्यूनिंग हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्लेक्ट्रम लेके एक एक स्ट्रिंग को धीरे धीरे स्ट्रम करना है, और यहाँ ट्यूनर पे आपको दिखने को मिलेगा ऑरेंज और ग्रीन दोनों कलर्स में मेरे ट्यूनर में दिखता है। तो सेंटर में आके जब पूरा सेंटर में जाके जब स्टॉप हो जाएगा, जान लेना कि दैट स्ट्रिंग इज ट्यून्ड, और उसको ऑन मत, मतलब उस ट्यूनिंग की को ऑन मत घुमाना, नेक्स्ट स्ट्रिंग में चले जाना। बट जब तक सेंटर तक नहीं पहुंचता है, अगर सेंटर से इस साइड में है मतलब ज्यादा है सो आपको ट्यून डाउन करना है, अगर सेंटर के इस साइड में है मतलब कम है तो ट्यून अप करके आपको सेंटर में लाना है। बेसिकली यू हैव टू फील इट एंड डू इट वेरी स्लोली, इट्स वेरी इजी। तो पहले मैं ई स्ट्रिंग को यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करने वाली हूँ, और बस धीरे धीरे मुझे स्ट्रम करना है और ट्यूनर में चेक करना है। जब तक वो ग्रीन मार्कर ऐसा स्टेबल नहीं हो जाता है, देखो इट्स ग्रीन, तब तक ट्यून करना है। अगर मैं इसको थोड़ा डीट्यून कर देती हूँ, ये देखो अभी इट्स फ्लक्चुएटिंग, मतलब सेंटर तक जाना है अभी बहुत कम है,
सो आई विल स्लोली वाइंड दिस अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ मुझे धीरे धीरे इसको रोटेट करना है. एंड माई ई स्ट्रिंग इज ट्यून्ड. सेम वे सारे स्ट्रिंग्स के लिए करना है. अब बी को बढ़ते हैं. बी भी पूरा ट्यून्ड नहीं है, थोड़ा बराना है. सो बी स्ट्रिंग इज ट्यून्ड. जी जी ऑलरेडी ट्यून्ड है. डी भी ट्यून्ड है. ए ट्यून्ड नहीं है, बहुत कम है, सेंटर तक जाना होगा. मैं बहुत कम कम करके ट्यूनिंग कीज को रोटेट कर रही हूँ. एक बार में मत करना तो स्ट्रिंग निकल जाएगा. बहुत मतलब बेबी स्टेप्स लेना है. सो यू कैन सी मेरा ए भी ट्यून्ड है. अब ई स्ट्रिंग, मतलब द सिक्स्थ वाला ई. ई भी डिट्यून्ड है, मुझे सेंटर तक लेके जाना है घुमा के. देखो इट्स स्लोली गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स ट्यून्ड. सो मेरा सारे के सारे स्ट्रिंग्स अभी ट्यून्ड हो चुके हैं. वेरी इजी. इसमें मतलब ऐसे स्क्रीन में पता नहीं इससे ज्यादा सिंपलर वे में कैसे दिखाते हैं, बट आई रियली वॉन्टेड यू टू सी दिस. सो मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है. बट द बेसिक थिंग इज आप लोगों को देखना है कि ट्यून मतलब ज्यादा है या कम है. अगर ज्यादा है तो आपको ट्यून डाउन करना है विद दीज, लाइक जस्ट कॉमन सेंस, बट धीरे धीरे करना, नहीं तो स्ट्रिंग्स निकल जाता है. अगर आपके पास ट्यूनर नहीं है, यानी अगर ये वाली चीज अभी नहीं है, फिर भी यू कैन ट्यून योर गिटार. सो डू नॉट वरी, प्ले स्टोर में जाओ और गिटार ट्यूनर ये वाला. देर आर मैनी ट्यूनर्स बट दिस इज एक्चुअली गुड. मैं इसको यूज करती हूँ. इसको डाउनलोड करो एंड मैं एक स्क्रीन शॉट भी अटैच कर दूंगी स्क्रीन पे. सो हम इससे ट्यूनिंग करेंगे. बट बिफोर आई शो यू हाउ टू ट्यून विद दिस, आई विल एक्सप्लेन कि इस ट्यूनर को यूज कैसे करते हैं. इट्स वेरी इजी. सो गिटार ट्यूनर को खोलो फोन पे एंड थोड़ा देख लेते हैं कि हाउ टू यूज इट. सो इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे बेसिकली गिटार का हेड का पिक्चर दिया हुआ है अलॉन्ग विद द सिक्स ट्यूनिंग कीज. ये पार्ट बेसिकली पूरा यहाँ पे दिया हुआ है. अब राइट साइड से देखते हैं. ई, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर जी, बेसिकली स्ट्रिंग 1 2 3. लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे, क्योंकि ई बी जी डी ए ई, दिस इज द ऑर्डर राइट. फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देखो वैसे ही दिया हुआ है. ई बी जी डी ए ई, द सेम वे वी हैड लर्नड ऑन द गिटार. सो हम लोग ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग. फर्स्ट स्ट्रिंग इट्स वेरी क्लियर, राइट वाला इज द फर्स्ट ई स्ट्रिंग, क्योंकि उसके बाद बी, फिर जी एंड इस साइड में डी ए ई. ये वाला ई इज द सिक्स और द लास्ट स्ट्रिंग. सो अब ऊपर देखो एक रेड लाइन है एकदम सेंटर में. That is where you need to bring all the strings. यानी कि अगर एक string कम tuned है या ज्यादा tuned है, उसको बढ़ा के या घटा के center में लाना है. The concept is the same as the tuner. Difference है वहां पे एक हम instrument को या whatever you call it, उसको guitar पे लगा के we are doing it and this we are doing using the phone, but the concept is the same. So इसमें भी center में लाना है. So अगर suppose E को plus 2 3 10 15 दिखाता है, so हम लोगों को उसको tune down करके वो straight line पे लाना है. Same way अगर plus तो बोल दिया, अगर minus होता तो हम लोगों को tune up करके सपोज -5, सो उसको धीरे धीरे ट्यूनिंग की को घुमा के सेंटर में लाना होगा. एंड देन योर स्ट्रिंग इज ट्यून्ड. यह दिखा भी देगा, एक ग्रीन लाइन आ जाता है उस रेड लाइन के ऊपर. सो वंस यू रीच देयर स्टॉप. एंड कभी कभी ना रैंडमली मतलब ट्यूनिंग के बाद भी -40 30 दिखाता है, दैट इज रॉन्ग. सो वंस वो ग्रीन लाइन आ जाता है इट इज ट्यून्ड, गो टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग. सो वेरी इजी. मैं आप लोगों को यह भी एक बार ट्यून करके दिखा देती हूँ. So
फोन को एकदम पास में रखना ट्यूनर खोल के, ताकि साउंड अच्छे से पहुंचे फोन तक एंड ताकि आप लोग देख पाओ। सेम वे राइट हैंड में प्लेक्ट्रम लेके एक एक स्ट्रिंग को धीरे धीरे स्ट्रम करना है और ट्यूनिंग कीज को घुमाते जाना है अप और डाउन एज पर की ज्यादा है या कम है। डी भी ट्यून्ड है, ए भी ट्यून्ड है, ई भी ट्यून्ड है। सो ये ग्रीन लाइन यानी कि ट्यून्ड है। अब चलो थोड़ा डी ट्यून्ड करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे दिखता है। अभी मैं फर्स्ट ई स्ट्रिंग को प्ले करूँगी फिर से। सो माइनस में है, सो मुझे धीरे धीरे वाइंड अप करना है ट्यूनिंग की को एंड माय ई स्ट्रिंग इज ट्यून्ड। और एक स्ट्रिंग को चलो अगर ज़्यादा डिट्यून्ड हो जाता है ई सपोज, ये देखो अभी प्लस सिक्स मतलब मुझे कम करना है। सो नीचे की तरफ मुझे ट्यूनिंग की को घुमाना है एंड माय स्ट्रिंग इज ट्यून्ड। So this is how we tune a guitar. अगर आपके पास ट्यूनर है सो ट्यूनर के साथ करो, नहीं तो फोन में ट्यूनर डाउनलोड करके करो। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड इसमें मतलब एक्सप्लेनेशन का ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ट्यून अप और ट्यून डाउन करना है। याद रखना ज्यादा मत ट्यूनिंग कीज को घुमाना, स्ट्रिंग्स निकल जाते हैं एंड बहुत धीरे धीरे करना, स्ट्रम भी स्लोली करना, क्योंकि नहीं तो स्पेशली फोन वाले ट्यूनर में रैंडमली -40-30 दिखाते रहता है। डोंट वरी, एक बार सेंटर में आ जाए स्किप टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और भी दिखाता है जस्ट स्किप टू द नेक्स्ट स्ट्रिंग once you reach the center, और वहां पे दिखाता भी है, कभी कभी नहीं दिखाता है, but just when you see the green line on top of the red line, you know your string is tuned. So comment करके बताना कि अगर समझ में आया ये lesson and thank you so much for the feedback on my previous two videos. बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है whatever little I'm trying to teach. I'll be back with the fourth lesson next Saturday at 11:30 AM. You can also check out my music channel Simran Felwani. The link is in my description. Keep practicing and keep the music on. Bye, take care.